आप लोग मेरा मजाक बनाना छोड़ो। राखी आप लोगों ने मेरा मजाक बनाया है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में मैं आज मेरी माँ को 4 दिन हो गए और आप लोग जो मेरे साथ बीत रही है आप लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा। नहीं राखी जी ऐसा कुछ नहीं। जो जो मुझ पर हंस रहे हैं, जो ड्रामा बोल रहे हैं, जो मजाक बोल रहे हैं, उनके घर में भी बहू बेटियां हैं। अगर उनके साथ ये सब होता है तो वो ऐसे ही हंसेंगे। नहीं राखी जी हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राखी हम लोग क्यों नहीं हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं आप? मीडिया आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो आपको हमेशा सपोर्ट ही किए हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है? नहीं आदिल बोल रहा है कि मुझे सारी मीडिया फोन कर रही है, वो कह रही है कि आप टेंशन मत लो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो भाई आप मुझे बायकॉट करो, मीडिया वालों आप उसका सपोर्ट करो। मेरा दर्द मैं जानती हूँ, आप लोग नहीं जान सकते जब तक कि आपकी बहू बेटियों के साथ नहीं होता, आप समझ रहे हो? क्या कुछ आपको कहना है? राखी जी आपने ही कहा था, आपने कहा था कि आदिल आपको छोड़ के मतलब मुझे कोई फालतू बातें आप मेरे को मत करो। मेरे साथ बुरा हुआ मैं तुम लोग के सामने आई, समझ रहे हो? राखी आपने नाम नहीं पूछा कौन से मीडिया हाउसेस ने उनको कॉल? बहुत सारे मीडिया ने, वो मेरे को कह रहा है कि सारी मीडिया मुझे काउंटर करने के लिए फोन कर रही है। मैंने बोला अगर तुम सच्चे हो तो जाओ मीडिया में सच बताओ। राखी जी ऐसा मैंने उसको बताओ, मैंने बोला अगर तुम झूठ बोले इमिडिएटली मैंने सब कुछ वायरल कर दूंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलना। हाँ अगर आप माफी मांग लोगे तो हम घर बसा लेंगे हमारा, लेकिन मुझे झूठा ठहराओगे दुनिया के सामने तो मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के मीडिया के पास आई हूँ इसीलिए रिक्वेस्ट करके कि कोई मेरा घर तोड़ना चाहता है तो मेरी मदद करो। इस दुनिया में कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसे इंसान नहीं होगा कि उसकी माँ को मर के दफना के 4 दिन हो गए और ये अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही है, क्योंकि मैं कितना रोई होगी जब मेरी माँ हॉस्पिटल, आप लोग को इतना भी नहीं याद है जब मैं हॉस्पिटल में वहाँ से जाते आप लोग वहाँ पे आए थे तो मैं जब रो रही थी तो क्यों रो रही थी? मैंने नहीं बताया कि मेरे पे क्या गुजर रही, मैं आप लोगों को नहीं बताती। आज मेरी माँ का इंतकाल हो गया तभी मैंने आप लोगों को बताई कि क्यों आदिल मेरी शादी के लिए डिनाई कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। और वो देश की जनता जो है मुझ पर मजाक उड़ा रही है मेरा। राखी जी कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरा मजाक मेरा ड्रामा है। राखी जी मीडिया हमेशा से मेरा ड्रामा है। किसने कहा है ऐसा? राखी जी मीडिया तो आपको जानती थी। राखी जी आप थोड़ा सा दूर रहिए प्लीज, थोड़ा सा ये मेरा अलग घरेलू मामला, आप लोग हट जाओ। राखी जी आपको ऐसा क्यों लगता है, और ऐसा ही क्यों लगता है कि सच में काफी सारी मीडिया उनको कॉल कर रही है? ऐसा भी हो सकता है कि डिनाई भी हो सकता है अगर वो स्पेशली मैंने जो आप लोगों के कल पैर पकड़ के बोला था कि मैंने उसको बनाया, उसको आप लोग पब्लिसिटी मत दीजिए, तो आप लोगों ने वो भी डाल दिया। वो मेरे पे हंस रहा था कि तुम मजाक बन गई हो एक देश की, तुम पूरी देश तुम पर हंस रही है, हंसो मुझ पर, मैं आज दुखी आ रही हूँ, मुझ पर हंसो। जो मुझ पर हंसता है ना तुम्हारे घर में भी बहू बेटी है, खुदा तुम पर हंसेगा। मेरी आंखें मेरा फेस दिख नहीं रहा सूजा हुआ, इतना रो कर रो के किसके सामने रोऊं मैं, किसके पास न्याय मांगू, किसके पास? आदिल हंसता है मुझ पर, कहते मैं तो हीरो बन गया हूं, तुम जोकर हो। मैं जोकर हूं, खुदा मैं बार बार ईश्वर को परमेश्वर को सामने बीच में लाती हूँ और आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। थोड़ा सा दूर हटे ना प्लीज, थोड़ा दूर हो जाओ प्लीज। आप लोग मत आइए मेरे पीछे, दुनिया को लगता है कि मैं मीडिया में क्यों आती हूँ, इसलिए आती हूँ कि मैं मीडिया के पास नहीं जाऊँ तो क्या मैं कोर्ट में जाके बैठूँ? मैं कोर्ट में छोटी छोटी चीज के लिए, जब मेरी शादी का मैंने वायरल किया मीडिया के पास आई, मीडिया ने न्याय दिलाया, देश ने न्याय दिलाया, आदिल डर के मारे शादी कबूल किया ना? हाँ जी हाँ जी सही बात है। और आखिर हम आते हैं नहीं किया, नहीं किया उसने, वो लड़की ना, वो लड़की का कल मैसेज भी आया वीडियो कॉल, आदिल इनकार कर रहा है तुम्हारे से शादी। वो लड़की कह रही है कि आदिल
मुझे कह रहा है कि तुम उसकी बीवी ही नहीं हो। मैंने कहा पूरे देश को जाके पूछो निकाह किया कोर्ट मैरिज किया है। वो मुस्लिम समाज को जो निकाह किया उसको ठुकरा नहीं सकता आदिल, आप कोर्ट मैरिज किया उसको ठुकरा नहीं सकते आदिल। पर राखी जी वीडियो आपके पीछे आती है, आपने हम आते हैं आपके पास।